Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। मान्यता को संजय दत्त का परिवार मान्यता दे या ना दे, पर संजू बाबा ने तो मान्यता को बना रखा है अपने दिल की रानी। अब वो जो भी करते हैं उसकी मान्यता उन्हें मान्यता से लेनी ही पड़ती है। मान्यता के बिना कितने अधूरे हैं संजू बाबा, ये पता लगा जब संजू ने लखनऊ में की एक पॉलिटिकल रैली, जहां मान्यता के रंग में रंगे नजर आए संजू बाबा। कुछ यही हाल है इन दिनों संजू बाबा का। अपनी जोरू यानी मान्यता दत्त की मर्जी के इस कदर गुलाम हो गया है मुन्ना भाई कि बीवी की किसी बात से इनकार करना भी उन्हें गवारा नहीं। संजू बाबा की फरमाबदारी देखकर अब लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि मुन्ना भाई पर कोई जादू कर दिया है मान्यता ने। प्लीज संजू बाबा ये मत समझिए कि लोग आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ से जल रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है। आखिर लोग क्यों ना कहें, जब से मान्यता बाबा की जिंदगी में आई है उनके हर छोटे बड़े फैसले पर मान्यता की पैनी नजर रहती है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि मोहरे बेशक संजय दत्त चलते हैं, लेकिन वो चाल होती है मान्यता की। जब संजू बाबा ने मान्यता का हाथ थामा था उनके करियर की गाड़ी हिचकोली खा रही थी, उस मुश्किल वक्त में मान्यता ने संभाल ली ड्राइविंग सीट। अरे भाई, जब मान्यता गृहस्थी की गाड़ी चला सकती है तो ये करियर की गाड़ी कौन सी बड़ी बात है। और अब तो खबरें ये भी हैं कि संजय दत्त के अंडर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी खुद संभाल रही है मान्यता। वैसे देखने वाले तो संजय दत्त और उनके खास दोस्तों के बीच बढ़ती दूरियों को भी मान्यता से जोड़कर ही देखते हैं। यानी संजय दत्त के पर्सनल और प्रोफेशनल फैसलों में अहम रोल निभा रही है मान्यता। अब तो वो मुन्ना भाई के पॉलिटिकल डेब्यू को भी प्लान कर रही है। इन सब फैसलों में मान्यता निभा रही है लीड रोल। अब देखिए ना, संजय दत्त ने अपने पॉलिटिकल डेब्यू के लिए उस पार्टी का सहारा नहीं लिया जिसके लिए उनकी पूरी फैमिली डिवोटेड रही। शायद इसीलिए संजय की बहन प्रिया दत्त को एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये तक कहना पड़ा कि संजय दत्त को मैनिपुलेट कर रही है मान्यता। यूं तो मान्यता को लेकर संजय दत्त और उनकी बहनों में शुरू से ही डिफरेंसेस की खबरें आती रही, लेकिन मुन्ना भाई के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद रिश्तों की एक खाई ज्यादा ही चौड़ी हो गई। हालांकि प्रिया दत्त ने बाद में कुछ इस तरह से अपनी सफाई दी। एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड काइंड ऑफ लैंग्वेज आई यूज एंड द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आई हैव मेड इन द पास्ट। आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज नॉट इन माई ग्रेन टू पास एस्पर्शंस ऑन एनीवनस पर्सनल लाइफ। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द डिसीजंस टेकन बाय माई ब्रदर हैव बीन हिज डिसीजंस and it is him who takes responsibility for his decisions, and as a family whenever the need arises we will always stand by him. जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रिया को भी संजय की जिंदगी में बढ़ती दखलंदाजी चुभती है। संजय दत्त ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। एक अखबार में संजू बाबा ने इंटरव्यू दिया कि शादी के बाद लड़कियों को अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना चाहिए। अब ये इशारा किस तरफ है ये बताने की जरूरत नहीं है। संजय और उनकी बहनों के बीच ये दूरियां उनकी शादी के बाद से ही बड़ी हैं। अब इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और कि मान्यता के मिसेज दत्त बनने के बाद ही ये सब हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मान्यता की वजह से संजय अपनों से दूर हो रहे हैं। संजू की जिंदगी में मान्यता की बढ़ती अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इलेक्शन तो संजय दत्त लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जया बच्चन ने तो छोटी बहू बताया है मान्यता को। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुओं को बहुत मान दिया जाता है। पहली बार जब अमिताभ जी लड़े थे उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से, तो मैंने इलेक्शन में कहा था मैं आपकी यहाँ की बहू हूँ और मुंह दिखाई में मेरे पति को वोट दीजिए, ये डायलॉग मत भूलिएगा मान्यता। अब मान्यता की बढ़ती ताकत के बारे में इससे ज्यादा क्या कहें कि वो बच्चन फैमिली की छोटी बहू बन गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू बाबा के जरिए पूरे कर रही हैं मिसेज दत्त अपने सपने। अभिलाषा सिंह के साथ मनोज वशिष्ठ, जूम, मुंबई।